राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा अभी 20 जुलाई को आ रही है पद्मा एकादशी, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की। ये बहुत बड़ी एकादशी है, इसको देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता सो जाते हैं, यानी कि भगवान विष्णु शयन करते हैं। वो सो जाते हैं तो मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं, सांसारिक लोगों के कोई भी शादी विवाह इन दिनों में नहीं होता। फिर 4 महीने के बाद जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी आती है, तब से विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो आज मैं आपको इस बड़ी एकादशी यानी कि पद्मा एकादशी या आप देवशयनी एकादशी कुछ भी कह सकते हैं, इसकी विधि, इसका महत्व, इसका पारण, इसकी कथा सब कुछ बताने जा रही हूँ। तो आप एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठे, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की आप रोली मूली गुड़ चावल धूप दीप फल फूल इत्यादि से पूजा करें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। उसके पश्चात जो है आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और सारा दिन भगवान के नाम का स्मरण करें। एकादशी के दिन जो है आपको अन्न नहीं खाना होता है, केवल फलाहार ही करना होता है। तो आप दूध चाय वगैरह ले सकते हैं, बाकी जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें, कम से कम खाने पीने का कार्य करें। संध्याकालीन समय में आप दीप दान करें, रात्रि में आप जागरण करें, भगवान का कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी को वैसे ही आप सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि करके भगवान की पूजा करें और फिर पारण करें। फिर आप हो सके तो सूखी चीजें दान कर दे, नहीं तो भोजन बना के दे सकते हैं, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो आप वैसे कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस प्रकार एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है, आपकी हर इच्छा भगवान नारायण की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए सुनते हैं एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर जी के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है, इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राज ऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है, इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है, वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वहाँ वे ऋषियों आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले कि हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी, आप इस स्थान पर कैसे आए सो कहिए। राजा बोला, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया।
गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वे ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरो, मैं उस निर अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख मिला। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कथा और महत्व तो आपने सुन लिया। अब फटाफट भगवान नारायण के नाम का स्मरण करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कथा कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।